नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को देसी चंदा मछली के बारे में बताऊंगा। ये मछलियाँ तो बहुत ही अच्छा है, ये अक्सर नदी नाला खाल बिलों में पाया जाता है, लेकिन फिश पॉन्ड के लिए ये बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है। ये बहुत ही ख़तरनाक है फिश पॉन्ड के लिए। बहुत सारे किसान भाइयों का फिश पॉन्ड में इस मछली को पाया जाता है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा अगर अपना फिश पॉन्ड में ये देसी चंदा मछली या सफ़ेद चंदा मछलियाँ हो जाए तो आप लोग इससे किस तरह से अपना फिश पॉन्ड को सेव कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा अगर अपना फिश पॉन्ड में चंदा मछली का संख्या ज़्यादा हो जाए तो इसमें हमें कौन कौन सी दिक्कत हो सकता है, मछली में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकता है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और एक लाइव प्रूफ दिखा दूंगा जिससे आप लोग पता कर पाएंगे अपना फिश पॉन्ड में चंदा मछलियाँ है, तो उसका भी सिम्टम मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों स्टेप बाई स्टेप हम लोग सारा चीज़ जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं ये चंदा मछली जो है छोटा साइज का सफ़ेद चंदा या छोटा चंदा जो भी नाम से आप लोग जानते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होता है फिश पॉन्ड के लिए, क्योंकि ये मछलियाँ इतना जल्दी ब्रीडिंग करती है और इतना संख्या में बढ़ा लेती है और वो भी नेचुरल ब्रीडिंग करके अपना फिश पॉन्ड को भर देती है। जिससे हम लोग मछली को खाना देते हैं तो ये मछलियाँ ज़्यादातर फिश पॉन्ड का खाना खा जाती है, इससे हमें अपना फिश पॉन्ड का जो IMC का ग्रोथ है वो रुक जाता है। और एक जो चीज़ है वो है डेंसिटी बढ़ जाना, ये मछली का डेंसिटी बढ़ना है। हम लोग जितना मछली छोड़ते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अपना मछलियाँ फिश पॉन्ड में हो जाती है, क्योंकि ये चंदा मछलियाँ बहुत ही जल्दी ब्रीडिंग करती है, बच्चा देके अपना फिश पॉन्ड को भर के बर्बाद कर देती है, जिससे अपना IMC का ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाता है। तो ये एक चीज़ है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ है वो है ये मछलियाँ अपना फिश पॉन्ड का जो मछली है उसका बॉडी का जो सलाइबा होता है, सलाइबा यानी म्यूकस जो पंगासियस मछली में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, आप लोग अगर इसको हाथ लगाएंगे तो ये फिसलनदार जो एक चीज़ होता है जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, लेलपा जो भी है, वही म्यूकस को ये चाट जाती है। तो म्यूकस ऐसा एक चीज़ है जो मछली को सेव रखता है, मछली को तरह तरह का बीमारियों से बचा के रखता है, जिससे मछली का बॉडी का ग्लेज रहता है। मछली के बॉडी में ज़्यादा मात्रा में म्यूकस होने के कारण बहुत तरह का पैरासाइट जो है शरीर में बैठ ही नहीं पाता है और बैठने के साथ साथ जो है वो फिसल के गिर जाता है। तो ये म्यूकस को ये चाट जाती है, मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे ये कितना खतरनाक है मछली के लिए। ये मछलियाँ म्यूकस को चाटने के बाद ही मछलियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि उसका जो बॉडी का जो सिक्योरिटी है वो है म्यूकस, वो नहीं रहता है और बीमारी आता है, फंगस आता है, फिर पैरासाइट भी उसमें धीरे धीरे आने लगता है और मछलियाँ कमज़ोर होने के बाद धीरे धीरे मरने लगती है। तो अगर आपका फिश पॉन्ड में इस तरह का चंदा मछली का प्रॉब्लम है तो उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना ही है, नहीं तो अपना बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो मैं अभी उसको जानने का कुछ तरीका आप लोगों को बताता हूँ। ये वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, आप लोग कैसे पता कर पाएंगे अपना फिश पॉन्ड में चंदा मछलियाँ हो चुका है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपना पॉन्ड में, कुछ समय अगर आप लोग चारों तरफ देखेंगे तो आप लोगों को ये चंदा मछलियाँ दौड़ता हुआ नज़र आ जाएगा। इस वीडियो में देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए चंदा मछलियाँ दौड़ रही है। इस तरह का जो झुंड होता है चंदा मछली का, ये हमेशा ऊपर की तरह ऐसे दौड़ती हुई हमें नज़र आ जाएगी। देखिए ध्यान से आप लोग देखें, ये देखिए कैसे दौड़ रही है। अगर आपका फिश पॉन्ड में चंदा मछलियाँ है तो इस तरह का सिम्टम्स जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तभी आप लोग समझ जाना अपना फिश पॉन्ड में चंदा मछलियाँ हो चुका है। तो आप लोग नेटिंग करके भी इसको चेक कर सकते हैं और आप कंफर्म होने के बाद इसका इलाज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मेडिसिन है दोस्तों, टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर उसको यूज़ करते हैं अपना जो दूसरा मछलियाँ है वो बिल्कुल ही सेफ रहता है और ये चंदा मछली 2 से 3 दिन में मर के ख़त्म हो जाती है। तो मैं उसका वीडियो मेडिसिन भी आप लोगों को बता देता हूँ, उसका डोजेस भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये सीफेक्स कंपनी का है और इसका ग्रुप का नाम है क्लोरोपाइरीफेक्स, 20% आप लोग देख रहे हैं और मैं बंगाली में भी ऊपर लिख दिया,
और ये जो मेडिसिन का जो नाम है वो है पायरीफेक्स। तो इसको आप लोग यूज़ करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को चंदा मछली फिश पॉन्ड में मर के ख़त्म हो जाएगी। तो इसको लेने के लिए आप लोग आसपास जो मेडिसिन का दुकान है, जो मछली का मेडिसिन सेल करते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जो कोई भी मेरे आसपास है, आप लोगों को मैं बता दूं, ये रूपाहार में मिलता है, उन भाई का नाम है शिवू पांडे, उनका दुकान में ये मेडिसिन आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा। और जिन भाई को इसको ज़रूरत है और नहीं मिल रहा है तो वो लोग ऑनलाइन पे भी इसको ढूंढ सकते हैं, मैंने देखा ऑनलाइन पे भी ये अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इसका डोजेस आप लोगों को बता देता हूँ और इसको यूज़ करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसको डोजेस जो है एक एकड़ फिश पॉन्ड के लिए 150 ml का यूज़ करना होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक एकड़ फिश पॉन्ड के लिए 150 ml का यूज़ करना है। और इसको यूज़ करने के लिए आप लोग पानी के साथ इसको यूज़ करेंगे, जितना पानी आप लोग ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेके पानी में अच्छे से घोल के फिश पॉन्ड की चारों तरफ ही आप लोगों को छिड़काव करना है। तो पानी का कोई हिसाब नहीं है, जितना अपना फिश पॉन्ड का एरिया है उसी हिसाब से आप लोग पानी ले लेना, फिर चारों तरफ इसको आराम से छिड़काव कर देना। तो ये 2 से 3 दिन में असर कर जाएगा और आप लोग देखेंगे इसमें जो चंदा मछलियां हैं ये सब मर के ख़त्म भी हो जाएगी, और साथ में जो कुछ बलिया मछली रहता है, जो कुछ एक्स्ट्रा मछली, वो भी कभी कभी मर जाती है, लेकिन अपना जो IMC वाला मछलियाँ हैं वो बिल्कुल ही सेफ रहेगी। तो इसके लिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं करना है। तो इतना ही था दोस्तों इन्फॉर्मेशन। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आप लोगों से विदा लेता हूँ।